नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल हमारे यहाँ ICU, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एबनॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी बिंदुसार बुजुर्ग शिव मंदिर सीवान बिहार। स्किन एंड ब्यूटी केयर सेंटर डॉक्टर मंजूर आलम, चरम रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य संबंधित विशेषज्ञ। हमारे यहाँ लेजर से औरतों का मूंछ दाढ़ी का इलाज एवं चेहरे पर काला दाग, छाही, पिंपल, कील मुहासे संबंधित इलाज होता है। मिलने का नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। सिवान की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शवबरात को देखते हुए हर चौक चौराहा पर सिवान नगर थाना की पुलिस तैनात है और जमकर सघन जांच अभियान चल रहा है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, तो सतर्क हो जाइए। चारों तरफ आज पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है। जब भी आप घर से निकलें तो हेलमेट, DL और जो तमाम चीज़ें हैं वो लेकर निकलें, नहीं तो मोटा फाइन देना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि जिस चौक चौराहे पर जांच अभियान चलाया जा रहा है वहाँ पर हेलमेट नहीं है तो उसका फाइन, और बॉडी सर्च और सामान सर्च भी किया जा रहा है ताकि आज शब बारात को देखते हुए किसी तरह की कोई अनहोनी या अप्रिय घटना नहीं घटित हो। सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे पुलिस हर आने जाने वालों को रोक रही है और बॉडी भी जांच हो रही है और DL और हेलमेट वगैरह सारा कुछ बारीकी से जाँच की जा रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें, फिर से बता दें आपको कि नगर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में पुलिस प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं इस पूरे मामले पर DSP सदर ने बताया कि जो शाम के वक्त लहरिया कट जो चलाते हैं उन पर उनकी खास नज़र रहेगी और उनके उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था भी किया गया है। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों से बचे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के सख्त भागी होंगे। आइए बात करते हैं कि DSP ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। जांच अभियान चल रही है, क्या क्या जांच हो रहा है और आज शवबरात भी है, बताइए। आज ऐसे तो रूटीन चेक हम लोग का करते रहते हैं, वाहन निरीक्षण हमारा रूटीन काम है, वो होते रहता है। आज हम लोग विशेष जैसे शहर में कई जगह पे हमने अपनी टीम लगा के जांच करवा रहे हैं, खास करके इसका उद्देश्य है कि आज जैसे शब बारात का त्यौहार है इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न करवाया जाए और शहर में जो अवांछित लोग हैं उनके दबाव बनाने के लिए और चुनाव के मद्देनजर हम लोग चालान भी खत्म की संख्या बढ़ाए हुए हैं। इस सारे परिस्थिति को देखते हुए विशेष सघन मतलब शहर में आज हम 5-6 जगह जांच करवा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आज की जो अपना पर्व है उसको संपन्न करवाया जाए और शहर में एक प्रशासनिक तरीके से दबाव बना के जनता को अवेयर किया जाए ट्रैफिक नियम्स के बारे में और चुनाव को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। सर, आज त्यौहार अक्सर देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चे लहरिया कट ज़्यादा चलाते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? उसके लिए हमारे पास विशेष तैयारी हमने कर रखी है। आप शाम को 6 बजे इस पर आप खुद आप इससे वाकिफ होंगे, देखेंगे क्या उसके लिए तैयारी करके रखा है। उसके लिए हमने सारे चेक पॉइंट जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी स्पॉट्स हैं, हमने उसको मार करके अलग से वहाँ फोर्स और हमारे टाइगर टीम, हमारी गश्ती, सबकी तैयारी हमने पूरी कर रखी है। तो आप इसको आप शाम को खुद वेरीफाई करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।